मैं सिर्फ राजा भगवान बुद्ध और बाबा साहब को नमन करता हूँ, परंतु जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के पुत्र प्रोफेसर एडवोकेट बाबा साहब प्रकाश राव अम्बेडकर जी, जिनके नेतृत्व में आज का ये आंदोलन आप सबके सहयोग से होने जा रहा है। समता सैनिक दल के तमाम संचालक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित भारतीय बौद्ध महासभा के तमाम संचालक, बाबा साहब द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी के तमाम संचालक, तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के परिसंघ के तमाम संचालक और तमाम भीम आर्मी के हमारे तमाम कमांडोस, तमाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को पूरे देश में अपना सब कुछ त्याग करके चलाने वाले बाबा साहब के शेरों, बाबा साहब के सैनिकों, मैं उमेश सिंह गौतम आपको सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे सम्मानित भाई केपी चौधरी जी, आज से नहीं आदरणीय आर जोशी जी, आदरणीय प्रकाश राव अम्बेडकर जी, साल 82 में 42-40 साल पहले जो समता सैनिक दल का फ्लैग झंडा माननीय प्रकाश राव अम्बेडकर जी, जो आज पूरे भारत में इसलिए कह रहा हूँ मैं, भीमा कोरे गांव का जो आंदोलन चल रहा था साथियों, मैं 15 दिन तक वही था अपने दलबल के साथ महाराष्ट्र में। प्रकाश राव जी के एक निर्देश पर महाराष्ट्र के 35 जिलों ने चक्का जाम कर दिया था, रेलों को रोक दिया था साथियों, ये कमाल था। प्रकाश जी के सत्यता का, प्रकाश जी के ईमानदारी का आपसे कुछ मैं पूछना चाहूंगा, केपी चौधरी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो थोड़ा समय के लिए मुझे परमिशन देंगे, क्योंकि हम तमाम लोग जो यहाँ आए हैं किसी के रहम और करम पर मांगने नहीं आए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने बड़े एमए पीएचडी डीएससीएलएनडी दिल्ली थाने के बाद महाज के तालाब के उस गंदे पानी में आपको सम्मान दिलाने के लिए 10,000 समता सेंटर के जवानों के साथ खड़े हो गए। हम तमाम साथी, हमें नेता भी चाहिए, तो बाबा साहब जैसे चाहिए, हमें बिकाऊ नेता नहीं चाहिए, हमें ऐसे हरामी ऐसे गद्दार नेता नहीं चाहिए जो बाबा साहब का नाम ले और अपनी काम पर होने वाले जुल्म के खिलाफ एक शब्द ना बोले। बताइए ईमानदारी से आपको बाबा साहब प्रकाश जी जैसे नेता चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? और केवल प्रकाश राव जी ही नहीं, हर प्रदेश में चाहिए हमें प्रकाश अम्बेडकर, हर जिले में चाहिए हमें प्रकाश अम्बेडकर। समता सैनिक दल का राष्ट्रीय एक आपका सिपाही होने के नाते मैं वचन देता हूँ, आपको पता है समता सैनिक दल ने 26 अलीपुर जो बाबा साहब का निवास है उसको प्राप्त करने में, स्मारक बनाने में जी जान लगाया, और एक कांग्रेस के जो एमएलए मंत्री ने बाबा साहब की मूर्ति विधानसभा में नहीं लगने दी थी उसको काला भू करने का काम, उसको मारने का काम विधानसभा में किया था साथियों। हमें ऐसे संगठन चाहिए, बिना संगठन के नेता मजबूत नहीं होता, बिना नेता के समाज के अंदर में कभी भी संरक्षण नहीं मिल सकता। हमें नेता चाहिए बाबा साहब जैसे जिन्होंने कानून मंत्री पद को ठोकर मार दी, जब महिलाओं के हकों को पार्लियामेंट में उनकी बात को समर्थन नहीं किया। हमें भरोसा है प्रकाश राव अम्बेडकर जी ऐसे ही नेता है, ऐसे ही नेता है। बहुत लंबा पीरियड हो गया हमारा, 40 साल से बाबा साहब प्रकाश राव अम्बेडकर जी के संगत में मैं वचन देता हूँ, भारतीय बौद्ध महासभा पूरे भारत में एकता का बिगुल बजा दिया साथियों, शांति सराफ पहुंची और उनकी तमाम टीम के साथ, क्योंकि संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से मुझे बताइए, मैं बोलू या ना बोलू, आप क्या बताइए?
जय भीम, जय भारत प्रभु।